नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। कांता जैन ने कहा, केजरीवाल जी या पार्टी का जैसा आदेश होगा, मैं हर आदेश के लिए तैयार हूँ। इनसे हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस ने खास बातचीत की। वार्ड 25 ई से हमारे साथ श्रीमती कांता जैन जी मौजूद हैं। कांता जी, आप वार्ड 25 ई से कहाँ पे रहते हैं? आप कैसे पार्टी में काम करते थे या जन समस्या का काम कैसे करते थे? मेरा परिचय है, मैं कांता जैन वार्ड 25 ई से थी, पहली महिला जो शुरू आंदोलन से मैं काम करा करती थी, और मैंने वहाँ के लोगों की समस्या सुनी, जो छोटी छोटी समस्या वहाँ के लोगों की, जैसे आधार बनवाना, पहचान पत्र बनवाना। मैंने कम से कम उस एरिया में, पूरे गांधीनगर एरिया में 2,500 पहचान पत्र बनवाए, न्यू वोट तैयार करवाई शुरू में, और इसी तरह से मैं पार्टी के साथ जुड़ी रही। हर सदस्य वहाँ का मेरे को जानता है, 25 ई का, और वो जानता है, मैं भी उनको जानती हूँ। घर से मेरा परिचय है और मैं हर घर के साथ जुड़ी हुई हूँ, सब मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानती हूँ। छोटी छोटी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं, जैसे आधार कार्ड बनवाना, पहचान पत्र बनवाना, किसी की और समस्या है, इसी तरह से जैसे पेंशन का है, सब मेरे पास आते हैं। जितनी महिला हैं सब मेरे साथ जुड़ी हैं। आप कैसे काम कर लेते हो जो एक एक घर को जानते हो, पहचानते हो और चले जाते हो और आपके घर वो आ जाते हैं? मैंने डोर टू डोर काम करा और मैं शास्त्री पार्क के रहने वाली निवासी हूँ, 40 साल से मैं वहीं पर रहती थी, तो इसी प्रकार मेरे को वैसे भी जानते हैं, और पूरे गांधीनगर में सब वार्ड में मेरी पहचान है। सब सदस्य, जितनी लेडीज जुड़ी हुई हैं, सब मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और सब मुझे जानती भी हैं, पहचानती भी हैं, और अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर मेरे घर आती भी हैं। इतने लोग आपके यहाँ काम कराने आते हैं घर में, तो कोई आपके पति को और बेटे को कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं, मेरे पति या बेटे को या मेरे परिवार में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती, उनको बल्कि अच्छा लगता है कि सब लोग हमारे घर आते हैं, अपनी छोटी छोटी समस्या लेके आते हैं और हम उनकी समस्या हल कर पाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इसी कारण से मैं सबसे जुड़ी भी रहती हूँ। सब लोग मिलते जुलते रहते हैं, सब, मैं वैसे तो जैन हूँ पर अजैन भी जो और हैं हमारे भाई, सब मिलजुल कर रहते हैं, और जबकि जैसे कोई बीमारी है या कोई दुख सुख जो भी है, उनमें हम हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेते हैं और जाते आते रहते हैं, वो हमारे आते रहते हैं, हम तो उनके जाते रहते हैं, इसी प्रकार हमारा आपस में सहयोग बना रहता है। जब आपके पास ये लोग समस्या लेके आते हैं, उन्हें कैसे आप हल करते हो? लोग हमारे पास छोटी छोटी समस्या लेके आते हैं, जैसे शिविर की, सड़कों की, हॉस्पिटल की या स्कूल की, तो हम उनके संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्या हल करने का पूरी कोशिश करते हैं, और इसी प्रकार से हम आपस में अपना मेलजोल बना कर रखते हैं। और मैं ये तो मैं पहले भी करती रहती थी, पार्टी में आने से पहले भी लोगों की मदद करती थी। आंदोलन से हो आप? आंदोलन से मैं जुड़ी हूँ, शुरू से ही, जब तक पार्टी नहीं बनी थी, हाँ। जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही मैं पार्टी के साथ जुड़ी थी, 11 रुपए की पर्ची के साथ। अच्छा अच्छा, सबसे पहली महिला, 25 वार्ड की पहली महिला थी मैं। अच्छा, अब वार्ड 25 ई सीट महिला हो गई है, आपको पता है, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप पर दांव आजमाती है, तो आप क्या करेंगे? अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी कि मेरे को टिकट दिया जाए तो देगी, तो मैं अच्छे से लड़ूंगी, जैसा कि मेरी वहाँ पर पहचान भी है, क्योंकि मैं आंदोलन के टाइम से जुड़ी हुई भी हूँ, तो मैं केजरीवाल जैसा आदेश देंगे मैं उनके आदेश का पालन करूँगी। केजरीवाल जी का आपने पहले भी जो था मानते चले आ रहे हैं, काम करते चले आ रहे हैं, तो आगे इसे नहीं लगता आपको जो और महिलाएं दावेदार हैं? जो महिलाएं दावेदार हैं वे मेरा कोई भी विरोध नहीं करेगी, सब हमसे स्नेह करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी सोचेंगे कि भाई ये पार्टी के लायक हैं और इनको टिकट दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कोई मेरा विरोध करेगा।
तो क्या अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आप? कुछ संदेश है कोई खास? अरविंद केजरीवाल जैसी आज्ञा देंगे तो वैसा ही हम करेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे। और सब क्षेत्रवासियों को मेरी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।